हाँ जी बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर टू पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को हम 5 मिनट में खत्म कर लेंगे, इससे कम में खत्म हो जाएगा। तो बेसिक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया जहाँ पे आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्या क्वेश्चन बोला और किस टाइप के क्वेश्चन है, एक्चुअल में एक टाइप है ये कि जहाँ पे आपको ग्राफ दिया जाता है, ठीक है। और ग्राफ देने के बाद में, ग्राफ किसका है, पॉलीनोमियल का, और ग्राफ रीड करके आपको बताना है कि इस पॉलीनोमियल में कितने जीरो है। और इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को, कहीं नोट कर लो, अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो यार, मैथमेटिक्स समझने का सबसे इजी तरीका होता है आप अपनी लैंग्वेज नोट्स बनाओ, ताकि लाइन लिख लो, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच करता है उतने ही जीरो होते हैं, ठीक है, ये लाइन लिख लो अच्छे से। तो चलो भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं पूरा क्वेश्चन फटाफट से। आप मुझे बताओ, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आप दिख रहे हैं एक्स एक्सिस, भाई ये एक्स एक्सिस है, ठीक है मैम, ये एक्स डैश का मतलब क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, वाई और माइनस वाई, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये ग्राफ एक्चुअल, ये क्या है, ग्राफ, जो एक लाइन है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है। आप मुझे बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करी, अरे सर जब एक्स के पैरेलल है तो एक्स को कट कहां से करेगी, ठीक है, और कहीं दिख भी नहीं रही हमें एक्स को कट करते हुए, इसका मतलब जब ये एक्स को एक बार भी कट नहीं कर रही तो इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने होंगे, कोई नहीं होगा नंबर ऑफ जीरो, भाई कोई जीरो ही नहीं होगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो, ठीक है, इसका कोई जीरो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, इसमें जो ये ग्राफ बना हुआ जा रहा है लहराता हुआ सांप की तरह, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, इधर कट कर, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 0 होंगे। आपने तो वही तो पूछा है यार कि नंबर ऑफ जीरो बताओ। थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन में अब आपके मन में आ रहा हो सर पेपर में कैसे लिखे, पेपर में आप ये लाइन लिखोगे कि एज वी नो दैट कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स लाइन कट और टच एक्स एक्सिस, भाई जितनी बार एक्स एक्सिस को कट और टच करती है उतने जीरो होते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर, उसके जीरो कितने होंगे, 3 0 जो है, कितने जीरो होंगे इसके अंदर, 3 0 होंगे, नया क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, कितने जीरो होंगे, ये 3 0 होंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखो, तो एक्स एक्सिस को एक ग्राफ एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, इसके कितने जीरो होंगे, 2 0 होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस कितनी बार टच या कट कर रहा है, तो भाई एक बार, ठीक है, एक बार तो यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, तो कितनी जगह कट या टच कर रहा है, तो टोटल मिला के 3 जगह पे कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भाई, इसके नंबर ऑफ जीरो होंगे 3, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में कहीं कट या टच नहीं कर रहा था, नंबर ऑफ जीरो कितने थे, 0। सेकंड वाले में एक जगह टच की, एक जगह कट किया तो नंबर ऑफ जीरो कितने, 1। थर्ड वाले में 3 जगह पे कट किया तो नंबर ऑफ जीरो 3। फोर्थ वाले में 2 जगह कट किया, नंबर ऑफ जीरो 2। फिफ्थ वाले में 4 जगह कट किया तो नंबर ऑफ जीरो 4। और लास्ट वाले में 3 जगह पे किया तो नंबर ऑफ जीरो 3। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है।